Hi guys, it's Patrick News. You all know that Purayda Thousand has been died due to a road accident. It's truly Patrick News. His father confirmed that it's hit and run case. His 360 camera also found. His father is very strong-minded person, so he decided to continue his son's channel. So he decided to go to Ladakh trip for his son's tribute. He called it all riders to join with this trip with their family permission. So let's watch, let's see what his father told us, what his father want to told us. So let's go to video. उस सारी डिटेल है, हाँ उसका कहना भी है, उसका लेटर भी है मेरे पास। उसका कहना ये है, जब एक्सीडेंट हुआ दो राइडर एक साथ चल रहे थे, दैट इज़ द मेन पॉइंट। तो भी व्यूवर्स इसको देख रहे हैं, ये मैं आपको पहले बता दूँ, दिस इज़ नॉट द रैश ड्राइविंग, ये हिट एंड रन केस का मामला है जो, हाँ ये हिट एंड रन का है मामला। इसमें फुटेज वगैरह कुछ वो ही है, और अभी तीन हो सकता है, चौथा जो आप 360 के बारे में कह रहे हैं वो शायद, मेरे को लगता है वो भी रिकवर हो गया है। यहाँ पर मुझे कंफर्मेशन आई है पुलिस वालों से, वो भी रिकवर हो गया है। वो एटलीस्ट महीना भर में ठीक हो जाएगी यार शोरूम में। उसके बाद हम प्लान कर रहे हैं लद्दाख जाने के लिए। तो जो भी राइडर्स आना चाहेंगे, सेफ्टी गैजेट प्रॉपर तरीके से, हमारे साथ दो चार बड़ी SUVs भी जाएंगी। हम यहीं देहरादून से स्टार्ट करेंगे, 10-12 दिन का वो टूर रहेगा। जो जो आना चाहें विद फैमिली परमिशन वो हमारे साथ चल सकते हैं, क्योंकि अगस्त ने अभी जस्ट दिल्ली से लौट के उसने लद्दाख जाना था, तो आई हैव टू डू ऑल द थिंग्स जो उसने छोड़ दिए। उसकी BMW S1000 आ रहा है, मैं कल भी ला सकता हूँ, लेकिन वो उसके बर्थडे के दिन लाऊंगा मैं चंडीगढ़ से, उसमें मैं आपको अपडेट करूँगा। फिर उसके क्या प्लान्स थे वो धीरे धीरे मैं आपको यूट्यूब के जरिए बताऊंगा। एंड जून में फर्स्ट हमारा फर्स्ट फोकस ये कि उसकी रैप्टर ठीक हो जाए, और जल्द से जल्द फिर हम लद्दाख का पैकेज उसमें बनाएंगे। तो जो जो हमारे साथ लद्दाख टूर पर चलना जाएंगे विद फैमिली परमिशन वो आ सकते हैं, पूरा स्टिकर्स एंड एवरीथिंग विल बी देयर। और ये रैली मैं अपने नहीं करूँ, मैं कई बार लद्दाख जा चुका हूँ 4 व्हीलर में भी, बाइक में भी, लेकिन उसको जाना था तो मैं उसकी रैप्टर लेके ही जाना चाहूँगा। हर साइड पे जहाँ पर मैं बेसिकली इंजॉय करता था, अपने बेटे को चीज़ दिखाना चाहता हूँ। तो जून में आप लोग रेडी रहें, जो जो हमारे साथ चल सकते हैं दे आर वेलकम, थैंक यू। और आप लोगों ने आज ये जो रैली निकाली है उसको याद करने के लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। आज वो बहुत खुश होगा कि उसके चाहने वाले भी बहुत हैं। हम साथ हैं अंकल, आप तो बहुत बहादुर हो अंकल, सब लोग कह रहे हैं हम भी आपके बच्चे हैं अंकल, हम भी आपके बच्चे हैं। खुशी का आंसू है, आप बहादुर हो बहुत अंकल, प्लीज अंकल। ये खुशी के आंसू है ना, वो देखता है इतनी भीड़, उसको यही चाहिए थी भीड़, लेकिन कोई नहीं, देयर इज ऑलवेज नेक्स्ट टाइम। आप लोग इस गर्मी में आए, मुझे पता है बहुत परेशानी हो रही होगी, लेकिन आप बोलोगे नहीं क्योंकि आप सच्चे दिल से प्यार करते हैं। आज एक सब्सक्राइबर आया बेंगलोर से, मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ उसके साथ। वो बेंगलोर से आया 8-9 तारीख को, वो देहरादून ISBT पे उतरा, उसने वहाँ कंफर्मेशन किया प्रो राइडर 1000 का आ रहा था, तो लोकल ने उसे गाइड किया चकोरता, उसको टैक्सी वाले चकोरता ले गए यहाँ से 90 किलोमीटर दूर। उसके बाद उसको एक दिन वहीं रखा, वो 90 किलोमीटर फिर वापस आया, उसका फ़ोन भी चोरी हो गया, फिर उसने पुलिस में कंप्लेंट करी, तब जाके उसे हमारे घर का एड्रेस पता लगा। तो देखो हमारे टैक्सी वाले भी क्या करते हैं बेचारे, उसका फ़ोन भी चोर लिया, वो बेंगलोर से स्पेशल आया था मिलने, उसको चकोरता ले गए यहाँ से 90 किलोमीटर दूर, फिर वो घर पर आया बड़ी मुश्किल से, बैठा काफ़ी देर बातचीत हुई, एंड उसकी फ़्लाइट भी थी, तो मैंने कहा आप थोड़ा सा जल्दी करें, फिर वो वापस गया। जो ये प्यार ही है जो इतनी दूर दूर से वो लेके आ रहे हैं नज़दीक,
हमारे बीच में भी अंकल पता है नोएडा से भी आए लोग, सोलन से भी आए, राजस्थान से भी अभी जो लोग हैं यहाँ पे, ये देखो हमारे हिमाचल से भी आए हुए हैं, हर जगह ये हमारे चौंसार के हैं आज जी अंकल, ये फॉलो करते हैं, मतलब फॉलो सभी करते हैं। मैं बेसिकली नाम जैसे हारून है, इनको नाम याद रखा है। अंकल ऐसी राइड दोबारा कब होगी, क्योंकि होनी चाहिए, ये परमानेंट नहीं होनी चाहिए। देखिए हमें पुलिस से भी परमिशन लेनी पड़ेगी क्योंकि रश हो जाता है। अगर आप प्रॉपर गैजेट कंप्लीट पेपर है तो कोई पुलिस वाला नहीं हो, चाहे आप भीड़ में जाए चाहे किसमें भी जाए, हार्डली उसकी रक्त ठीक हो जाए तो कल परसों की रिलीज हो जाएगी वहाँ से। जैसे वो रिलीज होगी शोरूम आ जाएगी, लेकिन उन्होंने काम मैं इसको रेडी कर देंगे। गाड़ी में ज़्यादा नुकसान नहीं है, फुटरेस्ट एग्जॉस्ट टायर हैंडल टूटा है, फेयरिंग टूटी है, और कुछ वो तो लाएंगे और लगा देंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ प्रोफेशनल तरीके से, क्योंकि गाड़ी ने तैयार होते ही लद्दाख के लिए रन करना है। और पहले तो खुद ले जा रहा था, वो चाहता था कि मैं ही ले जाऊँ, तो अब मेरे को ही ले जानी पड़ी। साथ में हमारी दो तीन थार एंड SUVs भी जाएंगी, तो आप यू डोंट हैव टू वरी। और जितने भी हमारे मिलिट्री पर्सनल्स हैं वो भी हमारे को हेल्प करने के लिए, उनकी मेरे को कॉल आ गई थी कि जहाँ जहाँ वो सुविधा हमारे लिए रुकने के लिए कर सकते हैं रुकेंगे, वी कैन यूज 5-star ऑल्सो, लेकिन हम वहाँ रुकेंगे जो लोग गरीब लोग हैं वहाँ रस्ते में, जो छोटे छोटे उनके टेंट होते हैं हम उस पर रुकेंगे ताकि उनकी भी अर्निंग हो अगस्त के थ्रू। मेन चीज़ ये है बेसिकली रुकने में, तो हम वी कैन यूज लविश कोई भी, लेकिन सिंपल बढ़िया खाओ बढ़िया पहनो, सेफ्टी से गाड़ी चलाओ, और जितने 360 वो रिकवर कर लिया पुलिस वालों ने, वो कैसे रिकवर किया मैं शाम की यूट्यूब में बताऊंगा, क्योंकि उन्होंने मेरे को कुछ मना किया था इसको डिस्क्लोज करने के लिए, लेकिन मैं शाम को जब ओपन है तो बताने में कोई हर्ज नहीं, तो मैं बताऊंगा कैसे मिला, वो सज्जन कौन थे, उन्होंने क्या लेटर भेजा, कौन से कुरियर के थ्रू पहुँचा, वो सारी डिटेल है। हाँ उसका कहना भी है, उसका लेटर भी है मेरे पास, उसका कहना यह है जब एक्सीडेंट हुआ दो राइडर एक साथ चल रहे थे, दैट इज़ द मेन पॉइंट, वो विटनेस भी है। और जो आप देख रहे हैं ऑटो में वगैरह बंदा रहे वो कोई नहीं था वहाँ पर, सिर्फ एक लेडीज और एक जेंट्स थे जो सबसे पहले वहाँ पहुँचे, और सज्जन ने कैसे क्या करके कई दिनों से यूट्यूब से एड्रेस ढूंढ के उसने क्या चीज़ भिजवाई है, कैसे वो पहुँची है, मैं आपको शाम के यूट्यूब चैनल में पूरा डिटेल बताऊँगा। फिर मैं उस बॉक्स को भी दिखाऊँगा जो शाम को आएंगे, मैं आपको अभी शो है, ठीक है, लेकिन ये है 360 रिकवर हो चुका है, 360 रिकवर हो चुका है, इतना मैं आपको बता दूं कि 360 रिकवर हो गया, जिसको हम ढूंढ रहे थे ये ले गया वो ले गया, किसी सज्जन के पास था। और देखो आज भी इंसानियत में इस सज्जन ने कई दिनों से, और उसने यही था कि मेरे को YouTube के माध्यम से आप ये बता कि मैं आपके पास पहुंच गया है, तो मेरे को ऐसा लगा वो अच्छे हाथों में, लेकिन बहुत सज्जन व्यक्ति है जो भी, उनका नाम मैं बता दूं आपको भी, उनका नाम है राधे शर्मा उनका नाम है, लेकिन नंबर का मिट चुका था कुरियर के कई हाथ लगते हैं। देखो मैं शाम को मैं डिटेल बताऊंगा, जो शाम को 9-10 बजे मेरे से भी डिटेल लेंगे तो मैं आप लोग को भी दे दूंगा, ठीक। आप लोग सब बहुत ज़्यादा प्राउड है, बहुत ज़्यादा प्राउड है। मैं बचपन से ही, मैं खुद भी बाइक ड्राइविंग का शौक रखता हूँ, अगर आप BIC का पुराना रिकॉर्ड निकालेंगे बूथ इंटरनेशनल सर्किट का, तो सबसे पुराना प्लेयर मैं ही था जो सुपर बाइक या KTM से मैं रेस करने वहाँ जाता था, वो है ना ब्लड से ब्लड में रहेगा वो तो रहेगा ही। और BIC के आप ये लगा लो कितने वो है सेशन वगैरह जो KTM कंपनी हमें प्रोवाइड करती थी उन्होंने करवाई है, तो मैं खुद भी पुराने रेसर रहे, लेकिन ऐसा एज बढ़ती है तो कुछ चीज़ें आपको छोड़नी पड़ती है। एक्सपीरियंस आपको आइडिया है कि कैसे क्या होता है, तो तभी जाके आपको बता दी। देखिए रेसिंग करनी अलग चीज़ है, रेसिंग के लिए आपको प्रॉपर ट्रैक चाहिए, रोड खाली चाहिए, लेकिन हम ब्लॉग बनाते हैं, आप लोग भी ब्लॉग बनाते हैं। सो गाइस यू ऑल वॉच द वीडियो एंड आई थिंक यू ऑल नो दैट हिज फादर ऑल्सो ए स्ट्रॉन्ग पर्सन, बट इट्स वेरी पैथेटिक दैट ही लॉस्ट हिज सन जस्ट फ्यू डेज अगो। सो इफ पॉसिबल ज्वाइन द राइड टू ट्रिब्यूट हिमसेल्फ। थैंक यू।